हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज आपके सामने खड़ी है TVS की राइडर, जो कुछ दिनों पहले लॉन्च की गई है। ये कम्पीट करेगी होंडा की साइन SP जो आती है 125, उससे बजाज की पल्सर 125, साथ ही 125 जो NS आती है उन सब से, क्योंकि TVS ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। ये एक कम्यूटर बाइक है, बट इसकी लुक आप देखेंगे तो ये आपको स्पोर्टी लुक के साथ आती है। खासकर ये जो येलो ब्लैक कलर है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, और भी इसमें आपको रेड कलर, ये सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या आपको फीचर्स ऑफर की जाती है, साथ में इसकी क्या प्राइस पड़ती है। ये दो वेरिएंट्स के साथ आएगी, एक तो आप अभी देख रहे हैं इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक आएगी, और दूसरी जो इसकी वेरियंट होगी वो टोटल ड्रम ब्रेक के साथ ही आएगी। स्टार्ट करते हैं की से। तो की इसमें आपको कुछ इस तरह की मिलती है, वेव डिजाइन वाली। इस सेगमेंट में कोई और भी इस तरह की नहीं देती है, चाहे वो बजाज हो, होंडा हो। हाँ, आपको KTM 125 में मिलेगी, बट उसकी प्राइस आप लोग खुद जानते हैं, काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड वो बाइक है। की इस तरह की मिलती है। इग्निशन ऑन करने पर यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के DRL दिए गए हैं, जो ऑफ में इस तरह के लगेंगे। अगर आप इसे ऑन करें तो इस तरह की आपको इसमें लाइटिंग दी गई है, ये है DRL। नीचे साइड में आपको मिल जाते हैं ये LED लाइट, टोटल लो बीम, और नीचे साइड ये आपकी है हाई बीम। हेडलैम्प इसकी मैं ऑन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की जलती है, ये आपके हो गए लो बीम और ये आपके हो गए हाई बीम। तो ये है इसकी लाइटिंग। यहाँ पर TVS लिखी जाती है, ये पियानो ब्लैक कलर के ऊपर यहाँ पर R की बैजिंग आती है। मेडगार्ड डुअल टोन कलर के साथ आएगी, और इसकी जो टायर सेक्शन है वो आपको मिलती है 80x117 सेक्शन की, जो TVS की टायर है। इसमें ABS नहीं मिलते हैं, ये रोटर के साथ 240mm की मिलती है। अब रियर की ओर चलते हैं, रियर से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो रियर में ये जो आप लाइट देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये अभी जल नहीं रही, अब जलेगी। तो ये भी LED लाइट दी गई है, काफी टीनी टाइप की, मीन्स छोटी साइज की ये आपको लाइट इसमें मिलती है। यहाँ पर की होल दिए गए हैं सीट खोलने को। इसके अंदर भी आपको एक अच्छी चीज मिलती है, जो मैं थोड़ी देर बाद उसकी बात करता हूँ। ये हो गए नंबर प्लेट के लिए, और इंडिकेटर्स नॉर्मल हैलोजन बेस्ड ही आपको मिलेंगे। देनी TVS, अगर आप पटना या बिहार से हैं और TVS के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप देनी TVS में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस शोरूम की सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ हो गए आपके साड़ी गार्ड, ये हो गए फुट स्टेप, ये सब। इसकी जो क्वालिटी है, ये पल्सर 125 इन सबसे आपको बेटर मिलेगी, या फिर SP 125 हो जाए। टैंक डुअल टोन कलर के साथ आती है, और बीच में यहाँ पर ब्लैक कलर दिए गए हैं थोड़े रफ फिनिश के साथ। टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की मिलती है, और इसी के ऊपर यहाँ पर USB सॉकेट आती है, बट अभी ये फिलहाल लगी हुई नहीं है, ये खाली है, ये आप बाद में लगवा सकते हैं। तो मोबाइल चार्जिंग की भी इसमें आपको फंक्शनलिटी मिल जाती है। TVS की लोगो यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर आपको राइडर लिखी हुई आती है। रियर में यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलता है, इस साइड से आप बेहतर देख पाएंगे। तो ये मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप यहाँ पर मिलता है, जो एडजस्टेबल भी है। 100x90/17 सेक्शन की रियर में आपको टायर दी गई है। आप इसकी प्राइस जानेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्राइस पॉइंट पर TVS ने किस तरह सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी इसमें ऐड कर दी गई है। तो ये सारी चीज हो गई इससे रिलेटेड। यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन से रिलेटेड आपको बैजिंग या स्टिकर जो बोले वो मिल जाती है, और इस साइड भी एक आपको बैजिंग मिलती है, TVS Intelligo। ये इंजन से रिलेटेड है, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में ज्यादा देर ऑन रह जाती है तो ये ऑटो ऑफ हो जाएगी, फिर आप इसे थ्रोट करेंगे तो ये वापस से स्टार्ट हो जाएगी। एग्जॉस्ट पाइप कुछ इस तरह के मिलते हैं, सिल्वर कलर के, ऊपर साइड में आपको कैप मिल जाती है, और शॉर्ट साइज के दिए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 180mm का मिल जाता है, और सीट हाइट है ये आपको 780x790mm का मिलता है। और सीट की जो मैं बात कर रहा था वो आपको दिखाता हूँ, इसे इस तरह घुमाएंगे तो ये देखिए, इसमें आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है थोड़ी बहुत, जैसे कि मोबाइल ये सब हल्की फल्की छोटी सी चीज आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि हर बाइक्स में थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस सीट्स के नीचे देनी चाहिए, जैसे कि स्कूटी ये सब में होती है, तो उसमें तो खैर ज्यादा स्पेस मिल जाता है।
अब हैंडल बार की बात करें तो ये जो देख पा रहे होंगे स्विच गियर जो है, ये आपको टीवीएस की जो 2V160R आती है उसी से रिलेटेड ये आपको सेम दिए गए हैं। इस साइड आपको मिलती है, पहले तो इधर की बात कर लेते, ये हो गए पास, ये हो गए हाई बीम लो बीम, ये हो गए टर्न इंडिकेटर के और ये हो गए हॉर्न के। इस साइड मिलती है, ये इंजन किल स्विच नहीं है, ये देखिए पावर इको, ये दो मोड्स भी इसमें दिए गए हैं। ये भी एक अलग फीचर है जो इस सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं करती। इंजन किल स्विच की यहाँ पर किसी तरह के स्विच नहीं दिए गए हैं और ये है इंजन स्टार्ट से रिलेटेड, काफी हल्की सी टच होने पर ही ये स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जब इंजन ऑफ करना होगा तो वो यहीं से आप कर सकते हैं। MID की भी बात कर लेते हैं, तो MID आपको कलर डिस्प्ले के साथ आती है, इस तरह की इसकी इंटरफेस दी गई है। यहाँ पर TVS की जो लोगो आती है उसके ऊपर भी लाइट अब जलती है। इसमें क्या क्या फीचर्स मिलती है उसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा हेलमेट से रिलेटेड वार्निंग आपको मिल रही होगी जो 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी। इसे यूज करने के लिए आपको दो बटन्स मिलते हैं। इस साइड हो गए RPM मीटर, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, टोटल इसमें 5 गियर्स आते हैं। ये हो गए आपकी टाइम शो कर रही जो अभी गलत बता रहे हैं, यहाँ पर फ्यूल लेवल इंडिकेटर, ये हो गए अगर लो फ्यूल रहेगी तो वो यहाँ पर शो करेगी, और PWR देख रहे होंगे। अगर इसे मैं चेंज करूँ तो देखिए अब इको आ गई, ये इको हो गई, फिर इसे चेंज करूँ तो ये स्पोर्ट हो गई। ओडोमीटर यहाँ पर होगा, स्पीडोमीटर यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ ध्यान दें, तो ये रेंज हो गई, एवरेज क्या दे रही है जब गाड़ी चलते रही तो बताएगी, ट्रिप ए ट्रिप बी रेंज, तो इतनी सारी इसमें फीचर्स आपको मिल जाती है जो 125 NS इन सब में किसी में ऑफर नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज हो गई MID से रिलेटेड। अब बात आती है कि इंजन क्या पावर प्रोड्यूस करती है, तो पहले तो इस साइड से आप इंजन देख ले, फिर आपको उस साइड से दिखाता हूं तो थोड़ी आपको डिफरेंट लगेगी। इस साइड से देखेंगे तो देखिए ये इंजन की जो कट है बिल्कुल छोटी टाइप की आपको इसमें इंजन देखने को मिलती है, और इसकी जो कूलिंग की जो बनाए गए हैं वो भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। इंजन 125 CC का मिलता है, ये प्रोड्यूस करता है 11.2 BHP का पावर और 11.2 Nm का टॉर्क। टोटल 5 गियर्स आते हैं, किक के ऑप्शन इसमें नहीं मिलते हैं। अब सुन लेते हैं इसकी एग्जॉस्ट साउंड किस तरह की आपको मिलती है, फिर बात करेंगे प्राइस की। देखिए अब आप खुद सुने और बताएं हमें कमेंट करके कि आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट जो है वो किस तरह लगती है। ये इंजन क्या माइलेज देती है वो आपको डिस्प्ले पर शो कर दूंगा। नीचे इंजन कॉल दिए गए हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल मिरर नहीं लगे हुए हैं। 160 की जो आती है 2V वही वाली आपको मिरर इसमें माउंट रहेगी। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो इसकी एक शोरूम प्राइस अराउंड आपको 87,000 पड़ेगी। बाकी इसकी जो आती है एक लोअर वेरियंट है ड्रम वाली, उसकी प्राइस मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या इस प्राइस पॉइंट पर ये बाइक लेना कैसा रहेगा। अगर आप हो उस जगह तो कौन सी बाइक चूज करेंगे, NS160 या फिर ये। हालांकि ये माना जाए तो एक तरह से NS160 को भी टक्कर दे सकती है और प्राइस भी इसके काफ़ी कम रखी गई है। तो चलिए अगले वीडियो तक, ड्राइव सेफ बी सेफ़।